देखो भाई आगे है इसमें। एक्रोमेटिक कम्युनिकेशन ऑफ टू लेंस, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस एट सम डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस एट सम डिस्टेंस। इसका हिंदी है, कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर दो लेंसों का, कुछ दूरी पर दो लेंसों का एक वर्णीय संयोजन, कुछ दूरी पर दो लेंसों का एक वर्णीय संयोजन, कुछ दूरी पर दो लेंसों का एक वर्णी संयोजन। अब पहले फिगर होगा, फिगर पे ध्यान देना है। ये दो लेंस है, दोनों लेंस कुछ दूरी पर रखा गया है। जब इसमें लाइट देते हैं तो इस तरह सिंगल कलर ही बाहर निकलता है। इससे पता चलता है कि ये भी एक वर्णीय संयोजन ही है, बट इसमें कंडीशन यह है कि दोनों लेंस कुछ दूरी पर है। सपोज करते हैं इस लेंस का नाम L1 और L2 है, इसका फोकल लेंथ F1 और F2 है, डिस्पर्सिव पावर इसका ω1 और ω2 है। फिगर बनाना है, फिर लैंग्वेज होगा, उसके बाद इसका मान निकलेगा। बन गया फिगर। लिखो, माना माना कि दो लेंस L1 और L2 है। माना कि दो लेंस L1 और L2 है जो एक ही अक्ष पर रखा गया है, जो एक ही अक्ष पर रखा गया है, जो एक ही अक्ष पर रखा गया है, जिसके बीच का दूरी d है, जिसके बीच का दूरी d है, दोनों लेंसों का फोकस दूरी, दोनों लेंसों का फोकस दूरी F1 और F2 है, F1 और F2 है, जबकि वर्ण विक्षेपण क्षमता,
जबकि वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा वन और ओमेगा टू है। वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा वन और ओमेगा टू है, बस लैंग्वेज इतना ही है। अब ध्यान देके स्टेप वाइज समझना है। देखो हम लोग जानते हो ये जो इक्विवेलेंट लेंस होता है, जब दो लेंस आपस में कुछ दूरी पर हो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का क्या मान है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वन बाय एफ, वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू माइनस डी बाय एफ वन एफ टू, यही है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ये सब को ऊपर ले जाते हैं, तब में क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स, एफ वन इनवर्स, एफ टू इनवर्स माइनस डी एफ वन इनवर्स इंटू एफ टू होगा। यहाँ पर बताए थे कल का क्लास अगर किया है तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कांस्टेंट होती है, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी जो है ये एफ यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अब एफ वन एफ टू क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, बदल रहा है। एफ वन एफ टू जो है बदल रहा है, लेकिन एफ क्या है? कांस्टेंट है। तो ये दोनों जब बदल रहा है तो ये क्या है? फंक्शन है। जब फंक्शन है पूरा मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। यहाँ पर इसे डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ वन के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं या एफ टू के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एफ वन, एफ वन के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। बारीकी से ध्यान रखना है। देखो भाई एफ वन के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है, जीरो हो गया। एक्स पावर एन, तो क्या होता है? एन इंटू एफ वन पावर माइनस वन माइनस है ना, फिर प्लस एफ टू इनवर्स माइनस वन, एफ टू पावर माइनस वन माइनस वन, लेकिन सेकेंड फंक्शन है इसलिए डी एफ टू बाय डी एफ वन से मल्टीप्लाई हो गया। फंक्शन ऑफ फंक्शन यहाँ तक कम हो गया। इधर इधर यहाँ पर माइनस डी, डी तो कांस्टेंट है दोनों के बीच का, एफ वन एफ टू चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अब दो फंक्शन आ गया, एफ वन इनवर्स इंटू एफ टू इनवर्स। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यस, यू इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा। इसको हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला कहते हैं। इसमें क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन उतारते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरा फंक्शन उतारते हैं पहले का डिफरेंशिएशन, ये सबको पता ही है। अब वही काम होगा यहाँ पर, एफ वन इनवर्स जो है, एफ वन इनवर्स उतर गया, कोई हड़बड़ी नहीं है, मन से समझ गया इसको, हो गया, क्लियर है। नहीं समझ पाया तो हड़बड़ में बेकार हो जाएगा। देखो एफ वन इनवर्स को उतार दिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये माइनस वन एफ टू इनवर्स, इस पर माइनस वन माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा डी एफ टू बाय डी एफ वन। ये फर्स्ट फंक्शन को उतारे हैं, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए हैं। अब है प्लस, सेकेंड फंक्शन को उतारेंगे है ना, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन और ये हो जाएगा एफ वन पावर माइनस वन माइनस वन, ब्रैकेट को बंद कर दिए, क्लियर है। अब यहाँ से माइनस डी से इसको पूरा उठा के इस तरफ ला रहे हैं, यहाँ जीरो है वह माइनस है, ये क्या हो जाएगा? प्लस। उसको पूरा इस तरफ लाते, ऐसा करो इसको इतना सा लिख लो,
चलो भाई, यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे, अब दोनों ओर इसमें जो है, दोनों ओर इसमें DF1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय DF1 इन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय DF1 इन बोथ साइड, दोनों साइड DF1 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो भाई, मल्टीप्लाई जब करेंगे DF1 से, तो यहाँ पर हो गया D, ये हो गया DF1 बाय F1 इंटू माइनस 1 बाय F2 स्क्वायर, और यहाँ पर है DF2 बाय DF1, फिर है प्लस, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, यह हो जाएगा DF1 बाय F2 और इंटू माइनस 1 बाय F1 स्क्वायर, फिर इधर भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों ओर करना है DF1 बाय F1 स्क्वायर, ये माइनस यहाँ भी अब मल्टीप्लाई होगा DF1 बाय F2 स्क्वायर, और ये होगा DF2 बाय DF1, है ना, पूरे दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया। अब जो जो कैंसिल होने वाला है उस पर गौर करना है, यहाँ पर DF1 या DF1 कैंसिल हो गया, एक जगह यहाँ कैंसिल होगा और कहीं कैंसिल नहीं होगा, अब यही अब रहेगा। अब देखो, अब यहाँ से आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अब क्या होगा, यह हो गया D, यहाँ पर आ गया 1 बाय F1 इंटू, ये देखो माइनस DF2 बाय F2 स्क्वायर माइनस DF2 और बाय F2 स्क्वायर प्लस प्लस, इसको एक जगह कर दे रहे, इसको इसको 1 बाय F2 और यहाँ पर इंटू माइनस DF1 बाय F1 का स्क्वायर, यह हो गया इधर का। अब उस तरफ का माइनस DF1 बाय F1 स्क्वायर, और ये फिर प्लस माइनस DF2 और बाय F2 का स्क्वायर, लिखना है यहाँ तक। बना, अब दोनों ओर हम लोगों को ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हम लोगों को मान मिला है, अब इसे समीकरण 1 मानते हैं, इट इज ए क्वेश्चन नंबर 1। कल क्लास अगर किया है तो पता होगा कि माइनस DF1 बाय F1 स्क्वायर इक्वल टू होता है कि नहीं है, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह माइनस DF2 बाय F2 स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ω2 बाय F2, ये क्वेश्चन नंबर। अब इक्वेशन 2 एंड 3 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, 2 एंड 3 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, 3 का मान कहाँ रख रहे हैं, 1 में। अब ध्यान रखना है 1 में जो हम लोग मान रख रहे हैं इस पर अब ध्यान रखना है। देखो भाई, 1 यही है, यहाँ क्या है 1 में, D है, यहाँ 1 में क्या है,
डी यहाँ क्या है, वन बाय एफ वन है इनटू माइनस डी एफ टू बाय एफ टू स्क्वायर क्या है, यहाँ पे लिख दें ओमेगा टू बाय एफ टू, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। देखो अब यहाँ पे प्लस वन बाय एफ टू, ये क्या है माइनस डी एफ वन बाय एफ वन स्क्वायर क्या है, ये ओमेगा वन बाय एफ वन, इधर का पूरा काम हो गया। उस तरफ माइनस डी एफ वन बाय एफ वन स्क्वायर को क्या कहेंगे, ओमेगा वन बाय एफ वन, और इसको क्या कहेंगे, ओमेगा टू बाय एफ टू। अब यहाँ पर रास्ता एकदम साफ है, गौर करना है। अब दोनों तरफ हम लोगों को एलसीएम लेना है, एलसीएम तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, एफ वन एफ टू, तो यहाँ पे एलसीएम जो है ये एफ वन इंटू एफ टू ही हो रहा है, इधर डी तो है ही बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा ओमेगा टू प्लस ओमेगा वन, इधर का क्लियर है। उस तरफ एलसीएम कितना होगा, एफ वन एफ टू ओमेगा वन इंटू एफ टू प्लस ओमेगा टू इंटू एफ वन, यही होगा। अब यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है कितना, बच रहा है हम लोगों को डी डी इंटू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इक्वल, ये है ओमेगा वन इंटू एफ टू प्लस ओमेगा टू इंटू एफ वन। अब हम लोग डी का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा डी इक्वल टू ओमेगा वन इंटू एफ टू प्लस ओमेगा टू इंटू एफ वन बाय ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, यही है इसका कंडीशनल फार्मूला। यहाँ तक नोट हुआ था, यहाँ तक हुआ था। ऊपर लिखो, पूरा मैथमेटिकल है, फिजिक्स पूरा कैलकुलेशन पर आधारित है। बन गया, क्या भाई नोट हो गया। अब इसमें एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस समझता ना, स्पेशल केस, स्पेशल केस है व्हेन डिस्पर्सिव पावर, व्हेन डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल फॉर बोथ लेंस, व्हेन डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल फॉर बोथ लेंस, जब दोनों लेंसों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान बराबर हो, जब दोनों लेंसों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान बराबर हो,
जब दोनों लेंसों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान बराबर हो। देखो भाई, दोनों लेंसों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर हो, इसका मतलब क्या हुआ? ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा टू इक्वल टू क्या? जब वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर है, इसका मान क्या मान लिए? ओमेगा। अब यही कंडीशन कंसेप्ट अप्लाई करेंगे वहाँ पर, तो देखो क्या होगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा डी इक्वल टू क्या है? ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा? एफ टू। ओमेगा वन क्या है? ओमेगा। ओमेगा वन ओमेगा हो गया इंटू एफ टू प्लस ओमेगा इंटू एफ वन बाय ओमेगा प्लस ओमेगा। आया समझ में? अब यहाँ पर ओमेगा कॉमन हो गया, ये हो गया एफ वन प्लस एफ टू और ये हो गया टू ओमेगा। ओमेगा ओमेगा क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल फार्मूला आ गया डी इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू बाय टू। नोट करो, बन गया। नीचे लिख देना है, अतः इस अवस्था में, अतः इस अवस्था में दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी उसके फोकस दूरी, उसके फोकस दूरी पर निर्भर करती है, उसके फोकस दूरी पर निर्भर करती है। तो याद रखना है दोनों लेंसों के बीच की दूरी किस पे निर्भर किया? फोकस दूरी पे। तो डी बराबर कितना हो गया? एफ वन प्लस एफ टू बाय टू। तो ये था एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का दो थ्योरी, कल बताए थे जब दोनों लेंस आपस में सटा हुआ हो, आज हम लोगों ने पढ़ा जब दोनों लेंस हट करके रखा गया। अब आगे है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? चलो लिखो, रेनबो। रेनबो इंद्रधनुष। इंग्लिश में डेफिनेशन है, रेनबो इज द ब्यूटीफुल इलुस्ट्रेशन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रेनफॉल
एंड आफ्टर द रेनफॉल और व्हेन वी लुक एट द वाटर फाउंटेन प्रोवाइडेड द सन इज शाइनिंग एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर। इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश में डिफिनेशन नोट करना है रेनबो का। अब हो गया, लिखो इसका हिंदी। लिखना है जब किसी प्रेक्षक, जब किसी प्रेक्षक के पीछे से, जब किसी प्रेक्षक के पीछे से सूर्य के प्रकाश की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणें पानी के छोटे छोटे कणों पर, पानी के छोटे छोटे कणों पर वायुमंडल में पड़ती है, पानी के छोटे छोटे कणों पर वायुमंडल में पड़ती है, तब हल्की हल्की वर्षा के समय, हल्की हल्की वर्षा के समय या भारी वर्षा होने के बाद, हल्की हल्की वर्षा के समय या भारी वर्षा होने के बाद रंगीन पट्टी आकाश में दिखाई पड़ती है, रंगीन पट्टी आकाश में दिखाई पड़ती है जिसे जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। तो देखो भाई, तो ये था इंद्रधनुष क्या है। इंद्रधनुष हम लोगों ने देखा होगा आकाश में बनते हुए, ये सात रंगों की एक रंगीन पट्टी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक दिखाई पड़ता है, इसे क्या बोलते हैं, रेनबो। कोई इस तरह का भी देखा होगा, इस तरह के बनते हुए हल्का हल्का कलर का, इसे ही हम लोग रेनबो कहते हैं। किसी ने इस तरह का देखा होगा, इस तरह का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। अब आगे हम लोगों को जो फिगर बनाना है वो फिगर हम अभी आगे बनाएंगे, एग्जाम में जो फिगर बनाना है ये सब फिगर एग्जाम में नहीं बनने वाला, एग्जाम में क्या बनाना है उसको बताएंगे। लेकिन देखो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। अब गौर करना है इसमें आगे, अब यहाँ पर कंसेप्ट है इसका, कंसेप्ट तो लिखना है इसमें कंसेप्ट। अगर मन से सब कुछ पढ़ा जाए ना, बहुत मेहनत है, पढ़ाई एक बहुत बड़ी तपस्या है, आसान चीज़ नहीं है पढ़ना। देखो रेनबो का कंसेप्ट क्या है,
कंसेप्ट है रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसको हम लोग एक तरह से प्रिंसिपल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, एक प्रिंसिपल है, इट इज द प्रिंसिपल। ये कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, रेनबो का प्रिंसिपल है। चलो बोलें इसका हिंदी। वायुमंडल में वायुमंडल में मौजूद पानी के छोटे छोटे कणों द्वारा वायुमंडल में मौजूद पानी के छोटे छोटे कणों द्वारा वायुमंडल में मौजूद पानी के छोटे छोटे कणों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन कोमा वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अतः इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण का संयुक्त उपयोग है। इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण का संयुक्त उपयोग है। देखो भाई, तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं तो तीन घटना होती है। कौन कौन? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन चूंकि अपवर्तन के ही अगला स्टेप में आता है, इसलिए कह सकते हैं कि अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण का एक संयुक्त कंबाइंड इफेक्ट है। इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये रेनबो बना है। अब इस रेनबो के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट देखना है रेनबो का कितना टाइप है। टाइप खाली लिख लो, उसके बाद कल होगा। टाइप ऑफ रेनबो टाइप लिख लो, उसके बाद कल होगा। लिखो, रेनबो दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेनबो। नंबर वन प्राइमरी रेनबो, नंबर टू सेकेंडरी रेनबो। नंबर वन प्राइमरी रेनबो, नंबर टू सेकेंडरी रेनबो। पहले वाले का हिंदी है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरे वाले का हिंदी है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। बाकी अभी इसमें बहुत कुछ है, इसका डायग्राम सब है, इस दोनों का परिभाषा है, ये सब बात फिर कल बताएंगे। थैंक यू।